हेलो फ्रेंड्स, सो हम आज जानेंगे ज़ेनर डायोड के बारे में कि कैसे क्या काम करता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ज़ेनर डायोड एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है, एक ऐसा डायोड है जो सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है. ठीक है, विच परमिट्स द करंट टू फ्लो इन ईदर अ फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन, या तो फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में करंट के फ्लो को होने देता है. ठीक है, बाकी इसका काम हम धीरे धीरे जानेंगे. ये हेवीली डोप्ड रहता है, जो ये डायोड रहता है हेवीली डोप्ड पी एन जंक्शन रहता है. ठीक है, और इसे डिजाइन किया जाता है रिवर्स डायरेक्शन में अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म करने के लिए, अपना काम करने के लिए विद अ स्पेसिफाइड वोल्टेज. यानी कि जैसे ही हम वोल्टेज देंगे ये अपना काम करेगा, बट इसे हम डिजाइन करते हैं ताकि ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. अब ज़ेनर डायोड के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे. ज़ेनर डायोड हैज अ वेल डिफाइंड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज एट विच इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग करंट. एक रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी कि एक सर्टेन वोल्टेज प्रीडिफाइंड है इसके लिए, जहां से ये रिवर्स कंडीशन में अपना कंडक्शन स्टार्ट करता है, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में अपना कंडक्शन स्टार्ट करता है. ओके, additionally the voltage drop across the diode remains constant over a wide range of voltages, a feature that makes zener diode suitable for use in voltage regulation. ab ye voltage regulation iska matlab kya hua, hame pata chalega padhne ke baad ki zener diode ko hum as a voltage regulator use karte hain. but what is voltage regulator, to main aapko batati hu. for an example मान लीजिए लैपटॉप है. ठीक है, लैपटॉप या टीवी कुछ भी, कोई भी एक सिस्टम है जिसे कि 20 वोल्ट रिक्वायर्ड है. मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ. मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसको 20 वोल्ट रिक्वायर्ड है, बट हमारे बोर्ड में कितना आता है, 230. ठीक है, तो उसके लिए हम एक वायर लगाते हैं, उसमें स्टेप डाउन वगैरह रहता है. ये भी आपको पता होगा, उसके जो एक अडाप्टर रहता है उसमें स्टेप डाउन वगैरह रहता है. बट वहां पे एक ये ज़ेनर डायोड का एक मेजर रोल हो सकता है, या हो फिर होता है किसी भी सिस्टम को हमें कम वोल्टेज देने के लिए या फिर ज्यादा वोल्टेज देने के लिए. वोल्टेज रेगुलेट यानी कि वोल्टेज को स्पेसिफिक मात्रा में किसी भी सिस्टम में पहुंचाना, जो सिस्टम जितना सिस्टम को चाहिए. सॉरी, मान लीजिए अपने लैपटॉप को 19 वोल्ट चाहिए, बट हमारे बोर्ड पे कितना आ रहा है, 230. तो इस चीज के लिए हमें ज़ेनर डायोड रिक्वायर्ड होगा. ओके, सो इस तरीके से हम जान सकते हैं प्रैक्टिकली कि किस चीज का, किस कंपोनेंट का किस चीज में यूज हो रहा है. ओके, अब हम जानेंगे ज़ेनर डायोड का ऑपरेशन. ये थर्ड स्लाइड है. ज़ेनर डायोड मोस्टली होते क्या है, जब इसका टर्न ऑन वोल्टेज जो होता है 0.3 से लेके 0.7 वोल्ट्स में ये टर्न ऑन हो जाता है ये डिवाइस. ठीक, बट जब वो रिवर्स मोड में कनेक्टेड रहता है, ठीक है, विच इज यूजुअल इन मोस्ट ऑफ इट्स एप्लीकेशन. यानी कि ज़ेनर डायोड बनाया किसके लिए, किस चीज के लिए, ताकि ये रिवर्स बायस कंडीशन में काम करे. तो ऐसी ही एप्लीकेशन में यूज होगा, है ना. तो जब वो रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्टेड रहता है तो वहां पे थोड़ा सा जरा सा लीकेज करंट रहता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. जब हम रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, एक प्री डिटरमाइंड, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक डिटरमाइंड रहता है, प्री डिफाइंड लेवल रहता है, प्री डिफाइंड वोल्टेज रहता है इसके लिए. ओके, सो प्री डिटरमाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज दैट इज VZ, अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द डायोड. जैसे ही उस प्री डिटरमाइंड वोल्टेज पे वोल्टेज हम रीच करते हैं, वहां पे क्या होता है कि हमारा करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है. द करंट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम व्हिच इज डिटरमाइंड बाय सीरीज रेजिस्टर, आफ्टर व्हिच इट स्टेबलाइजेस एंड रिमेंस कांस्टेंट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज. अब जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट इंक्रीज होता है. करंट के फ्लो को स्टेबलाइज करने के लिए हम एक रेजिस्टर लगाते हैं सर्किट में. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक सर्किट बनाया है, दिखाती हूँ मैं आपको. ये देखिए, ये एक सप्लाई जा रहा है 12 वोल्ट का, ये यहाँ पे ज़ेनर डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्टेड है यहाँ पे आउटपुट. बट यहाँ पे जब हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो
हमारा एक प्री डिटरमाइंड लेवल था, जबकि मान लीजिए कि 3 वोल्ट, ठीक है, मान लीजिए 3 वोल्ट, 3 वोल्ट पे जैसे पहुंचे, यहाँ पे करंट फ्लो स्टार्ट होगा, करंट फ्लो स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ज्यादा करंट के फ्लो से हमारा सर्किट खराब भी हो सकता है, बट उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 वोल्ट मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, जेनर में जो ब्रेकडाउन होते हैं कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला है एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है, अवलांच ब्रेकडाउन। द अवलांच ब्रेकडाउन अकर्स इन बोथ नॉर्मल डायोड एंड ज़ेनर डायोड एट अ हाई रिवर्स वोल्टेज। एक नॉर्मल जो कन्वेंशनल डायोड रहता है और ये ज़ेनर डायोड, दोनों में होता है ये अवलांच ब्रेकडाउन। ओके, जब हम हाई रिवर्स वोल्टेज देते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, तो क्या होता है, जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मेनली जो माइनॉरिटी कैरियर्स जिन्हें कहते हैं, ये बहुत ज्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं और एक्सेलरेट होते हैं एक हायर स्पीड से, तभी जाके ये अवलांच ब्रेकडाउन हमें मिलता है, अचीव होता है। ओके, फाइन। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे हमने ये सप्लाई दिया है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हिट्स एटम एट हाई स्पीड। अब ये देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब ये कोलाइड, मतलब इधर से उधर मूव हो रहे हैं, तो क्या एटम को भी हिट करेंगे, हिट करने की वजह से क्या होगा, अवलांच ब्रेकडाउन हमारा अचीव होगा। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग एट हाई स्पीड विल कोलाइड विद द एटम्स एंड नॉक ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे वो मूव होंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को, एटम्स को नॉक ऑफ करेंगे। अब इससे क्या होगा कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा विद हायर वेलोसिटी, यानी कि हायर स्पीड। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक करंट इन द डायोड इंक्रीजेस रैपिडली। करंट इंक्रीज होगा क्योंकि देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, तो करंट इंक्रीज होगा, और ये सडन इंक्रीज ऑफ करंट परमानेंटली डिस्ट्रॉयज अ नॉर्मल डायोड, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया। हाउएवर अवलांच डायोड्स मे नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर केयरफुली डिजाइन टू ऑपरेट इन अवलांच ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है। तो जो भी अवलांच डायोड है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इस तरीके से डिजाइन किया गया है। फाइन, अवलांच ब्रेकडाउन अकर्स इन ज़ेनर डायोड विद ज़ेनर वोल्टेज ग्रेटर देन 6 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट से जरा सा भी ज्यादा हम देते हैं तो डायोड में अवलांच ब्रेकडाउन अचीव होगा। नेक्स्ट, अब दूसरा होता है ज़ेनर ब्रेकडाउन। एक हुआ अवलांच, एक हुआ ज़ेनर। द ज़ेनर ब्रेकडाउन अकर्स इन हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड्स बिकॉज ऑफ दैट नैरो डिप्लीशन, यानी कि पतला सा डिप्लीशन लेयर बीच में। When reverse bias voltage applied to the diode is increased, the narrow depletion region generates strong electric field. ठीक है? When reverse bias voltage applied to the diode reaches closer to the Zener voltage, the electric field in the depletion region is strong enough to pull electron from their valence band. अब ये चीज मैंने लिख दिया है, मतलब पूरे explanatory type से पूरा मैंने details में लिख दिया है। अगर आप notes बनाना चाहें तो इसे एक एक शब्द copy कर लें, okay? फाइन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी गेन कर लेते हैं, तब क्या होता है, हमारा डिप्लेशन रीजन ब्रेक हो जाता है। जब हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी सफिशिएंटली गेन कर लेता है, तब हमारा डिप्लेशन रीजन ब्रेक करता है, ठीक है। जैसे ही डिप्लेशन रीजन ब्रेक करता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट कैरी करते हैं एक से दूसरे जगह पे। इसी तरीके से हमारा ज़ेनर ब्रेकडाउन रीजन, देखिए एक्चुअली ज़ेनर ब्रेकडाउन रीजन स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज विल रैपिडली इंक्रीज इलेक्ट्रिक करंट। इस तरीके से क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुके हैं, डिप्लेशन रीजन टूट चुका है, तो वहां पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट हायर हो जाते हैं। ये 3 पॉइंट्स है मैंने यहाँ लिखा है। Zener breakdown occurs at low reverse voltage, whereas avalanche breakdown occurs at high reverse voltage. ये Zener breakdown और avalanche breakdown, इनमें difference है थोड़ा बहुत। Zener breakdowns occur in Zener diodes because they have very thin depletion region. जो मैंने पहले पढ़ाया वही मैंने लिखा है। Breakdown region is the normal operating region for Zener diode. Zener breakdown occurs in Zener diodes with Zener voltage less than 6 volts. अब देखिए, avalanche breakdown 6 वोल्ट से ज्यादा, ज़ेनर ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से कम। फाइन, नेक्स्ट ये मैंने ज़ेनर ब्रेकडाउन का डायग्राम एक बना दिया है, ओके, इसे कॉपी कर लें, समझने के लिए है ये तो सिर्फ। अब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वोल्टेज और करंट के, वोल्टेज का बिहेवियर करंट के रिस्पेक्ट में, करंट का बिहेवियर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। फाइन, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, इसको मैंने नोट्स के तौर पर बना दिया है, इसलिए मैंने इतना लिखा है, बाकी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है,
और ये सिंबल मैंने आगे तो नहीं बताया आपको, फाइन, ये है हमारा सिंबल, ये नीचे वाला, ऊपर वाला यहाँ थोड़ा छूट गया है, कैथोड और एनोड, फाइन, ये हमारा है ज़ेनर डायोड का सिंबल। होता क्या है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपको दिख रहा है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा, ये नॉर्मल डायोड का बिहेवियर है। ज़ेनर डायोड फॉरवर्ड में इस तरीके से बिहेव करेगा, बट इंस्टेड रिवर्स बायस वोल्टेज, आई मीन जब रिवर्स बायस में वो कनेक्शन होगा ज़ेनर डायोड का, तब वो क्या होगा, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक यहाँ पे लीकेज करंट आएगा हल्का हल्का हल्का, फिर जैसे ही एक प्रीडिफाइंड वोल्टेज हम रीच करते हैं उसी तरीके से क्या होगा, एक ही बार करंट बढ़ के इस तरीके से नीचे आएगा, फाइन। ये देखिए एक विजेट दिया हुआ है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, और एक है मेरे पास डायग्राम, मैं वो डायग्राम देख के आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका ज़ेनर ब्रेकडाउन, ये रहा अवलांच ब्रेकडाउन। ज़ेनर ब्रेकडाउन लेस देन 6 वोल्ट्स यानी कि 6 वोल्ट्स के नियरर, और अवलांच ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से बाहर, फाइन। तो ये होता है, और मेन चीज जो मैंने आपको बताया, अवलांच ब्रेकडाउन जो होता है वो कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, ज़ेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और बच्चे यहाँ पे फेल करते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने में। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा गया है कि अवलांच ब्रेकडाउन और ज़ेनर ब्रेकडाउन में ये मेन जो डिफरेंस रहते हैं, फाइन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशंस गिवन है, इसे पढ़ लीजिएगा। इसे वोल्टेज रेफरेंस, स्टेबलाइजर, स्विचिंग ऑपरेशन में यूज किया जाता है, फाइन, क्लिपिंग, क्लैंपिंग, बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। एप्लीकेशंस, ये एडवांटेजेस हैं, पावर डिसिपेशन कैपेसिटी, हाई एक्यूरेसी, स्मॉल साइज, लो कॉस्ट, और नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एज आपको ये मतलब नोट्स के तौर पर भी सही रहेगा। बाकी थैंक यू सो मच।